आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर की मंडियों में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी, राजस्थान में 65,000 बोरी से ज्यादा सरसों की आवकें दर्ज हुई हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आवक अभी कमजोर ही है। राजस्थान की मंडियों में दाम थोड़े नरम हुए हैं। 8600 रुपए क्विंटल बिक रही सरसों अब 8500 से 8550 के भाव पर बिक रही है। वहीं देश भर में सोयाबीन की आवक बढ़कर 1,80,000 बोरी के करीब दर्ज की गई। इसमें से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 90,000 बोरी रही। प्लांटों की लिवाली कमजोर रहने से सोयाबीन की कीमतों में मंदी जारी रही। मंडियों में सोयाबीन के दाम घटकर नीचे में 6,000, ऊपर में 6,300 और प्लांट खरीदी भाव 6,375 से 6,475 रुपए क्विंटल रह गए। जानकारों द्वारा अभी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि सरसों की आवकों में जैसे जैसे इजाफा होता रहेगा, सरसों की कीमतों में गिरावट आती रहेगी और इसका असर सोयाबीन तेल तिलहन पर भी जरूर दिखेगा, क्योंकि खाद्य तेलों की डिमांड को सरसों द्वारा पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि इस बार सरसों का बंपर उत्पादन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।